देखिए ये यात्रा नहीं, ये पिकनिक है। ये यात्रा तब कहलाती जब 100 से अधिक जहरीली शराब से लोग मरे हैं और उसके आंसू पोंछने जाते, समाज सुधार के लिए उनसे बात करते, उसके अनाथ बच्चों और विधवा को मुआवजा देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में अपराध जो है वो चरम पर है, जिसको लेकर अब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग उठ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कह रहे हैं। आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि बिहार में अजरकता का माहौल हो चुका है बिहार में। हमने तो पहले ही जाकर के अपने सभी माननीय विधायकों के साथ राज्यपाल महोदय से मिलकर के हमने तो मांग किया है कि अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है, राज्यपाल इसको संज्ञान में ले, केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करे। ये विषय तो पहले से ही है। अगर जो इस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचेगा तो सरकार को, तो सरकार की अराजकता और कमजोरी पर लोग चुप नहीं बैठेगा, राज्यपाल महोदय को संज्ञान में लेनी चाहिए। देखिए ये यात्रा नहीं, ये पिकनिक है। ये यात्रा तब कहलाती जब 100 से अधिक जहरीली शराब से लोग मरे हैं और उसके आंसू पोंछने जाते, समाज सुधार के लिए उनसे बात करते, उसके अनाथ बच्चों और विधवा को मुआवजा देते। ये शराब के कारण, जो शराब माफियाओं के कारण एक अपराधियों का गिरोह खड़ा हुआ है, उसको रोकने पर चर्चा करते, संवाद करते, जो उनके पुलिस महकमा के अंदर थाना से लेकर के SP तक जो धन कुबेर बन रहा है दौलत कमाकर शराब के नाम पर, उस पर लगाम कैसे लगाएंगे, ये जनता से जानने का प्रयास करते। जो बेरोजगारों का, जिसकी नियुक्ति की प्रक्रिया हो चुकी, शिक्षक अभ्यर्थी से लेकर के तमाम अभियंत्रणा वाले सब लोग, अमीन वाले सब लोगों के, जो रोड पर भटक रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लाठी से आवाज दबा रहे हैं, उस सब से संवाद करते, तब ये यात्रा लगता कि कुछ जनहित में हो रहा है, जन संवाद कहलाता। लेकिन हम जाएंगे पूरे महकमे के साथ, थोड़ा सा खाना पूर्ति करेंगे, जीविका दीदी को बुला लेंगे, ताली बजवा लेंगे, पदाधिकारियों को घूम करके निर्देश दे देंगे, चले आएंगे। ये तो 13 बार कर चुके आप, और आपके पार्टी के, जिसके बल पर आपकी सत्ता बची हुई है, RJD के अध्यक्ष तो कहे ही हैं कि पहले की यात्रा, अगर जो इनका उद्देश्य पूरा होता तो यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी आप सजग नहीं हो रहे हैं, क्यों मजाक बनने जा रहे हैं? जब आपके गठबंधन के ही लोग आपको मजाक बना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बिहार के मान सम्मान को तो आप बढ़ाइए। बड़े भाई तो बहुत सम्मान बढ़ा दिए थे बिहार का, फिर उसमें आप अपनी कड़ी क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों बिहार को हास्यास्पद स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं? तमाशा मत बनाइए बिहार को। तो सुना आपने कि किस तरह विजय सिन्हा ने CM नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ये साफ कर दिया है कि बिहार में जो है वो अपराध जो है वो चरम पर है। इसको लेकर उन्होंने CM नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही तंज भरे लहजे में ये तक कह दिया है कि CM की जो यात्रा है वो यात्रा नहीं बल्कि पिकनिक है। साथ ही उन्होंने इस दौरान अभ्यर्थियों को लेकर पूछे गए सवाल पर भी तंज कसा है कि अभ्यर्थियों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है, सरकार जो है उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में उन्होंने साफ कहा है कि जब बिहार की जो हालात है वो अगर CM नीतीश कुमार से नहीं संभल रही तो बिहार में वाकई राष्ट्रपति शासन जैसे लागू होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिलहाल और क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, अब जरा सा वो सुनिए। और नीतीश कुमार ने कल कहा है कि CBI जो केस खुला है फिर से लालू प्रसाद यादव का, वो आप लोगों की वजह से खुला है, क्योंकि वो साथ में चले गए हैं महागठबंधन में, इसकी वजह से ये। देखिए उनका केस खुला है या नया बना है विषय वो नहीं है। आप भ्रष्टाचारियों के साथ में गए हैं तो आप भयभीत क्यों हैं? आपको तो डरना नहीं चाहिए। जो भ्रष्ट होगा, जो भ्रष्टाचार किया है, जो गलत किया है, वो फंसेगा, घबराहट आपको क्यों है? और इस तरह की बयानबाजी, सब भ्रष्टाचारियों की जमात एक मंच पर जुट रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जब आप हमारे साथ सत्ता में थे माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी समय ऐलान किए थे कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। तो जब उसका मामला प्रमाण मिल रहा है, सबूत मिल रहा है, तो वो संवैधानिक संस्था है, वो काम कर रही है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। आप तो संविधान के ज्ञाता भी हैं, संविधान के ज्ञाता लोगों को तो सम्मान करना चाहिए, जांच होने देनी चाहिए, जांच में सहयोग करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, इसमें घबराने का क्या जरूरत है। कल चिराग पासवान मुलाकात की है। तो सुना आपने, इस दौरान आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार के मौजूदा हालात बने हुए हैं उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने साफ तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि ये जो मांगे उठ रही है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि बिहार में इन दिनों हालात जो है वो काफी बिगड़ चुके हैं, ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाना बेहद जरूरी बन जाता है। तो फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और तब तक के लिए भी दे इजाजत, नमस्कार।